हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड, मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ औलाद ड्रामा की ओएसटी पे। मुझे एक दो रिक्वेस्ट भी आए थे कि इसके ओएसटी पे आप रिएक्ट करो, तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ औलाद ड्रामा की ओएसटी पे, जिसको गाया है रहीम शाह ने। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने के बाद करेंगे बाकी की बात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं, साथ में मिलते। वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो अपनी औलाद से उम्मीदें लगा के रखे। ये जो अपना दिल नहीं लगता, एक नंबर क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर भी दर्द है जाने कैसा। एक नंबर लाइन। रिटायर हो गया हूं। जब एक पल में टूट ही जाए, पूरे हो गए जिम्मेदारियां, पूरी नहीं कर सकते इस घर की। फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं। सबसे ज्यादा मुखलिस औलाद, सबसे ज्यादा कुर्बानियां ली जाती हैं। मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। सही बात है। फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। इस घर में सबको से मेरा घर दबाना आता है। माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला माँ मुझको झुलाओ ना, झूला। बहुत ही प्यारा लाइन है। इस समय में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है, मान ले ये बात। काश कि आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन लोगों के नाम ना की होती। मेरा बस चले ना, तुम्हें चीख चीख कर पूरी दुनिया से कहूं कि बेटों के लिए दुआएं करना छोड़ दो। नजदीक है कितनी छाओ तेरे, माँ बाप है दोनों पाओ तेरे, हो नजदीक है कितनी छाओ तेरे, माँ बाप है दोनों पाओ तेरे। क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा। झूला झूला हो झूला दे। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। हर बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। और बेटे की किसी भी फैमिली में मां बाप की जगह अब बनती नहीं। बहुत ही सैड स्टोरी। मैं मोनी को पागल खाने नहीं जाने दूंगी। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। फिर रोशना की शादी का क्या होगा। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है आपका उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। झूला
मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। कितनी मेहनतों और मोहब्बतों से बच्चों को पालकर बड़ा किया था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हर कोई यही सोच के जाता है। बहुत ही इमोशनल वीडियो थी, बहुत ही मतलब कि सैड वीडियो थी। पूरी जो स्टोरी होने वाली है, पूरी फैमिली के ऊपर पूरी स्टोरी है ये, और जिसमें मतलब कि दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा बाप जब वो नौकरी छोड़ देता है, जब वो अपने पे रहता है, जब वो जॉब करता है तो सब खुश रहते हैं उनसे, बिकॉज वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब वो पैसा कमाना छोड़ देता है, जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो फिर उनके उसके बाद उसकी क्या हालत होती है वो तो आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा। उसमें तो उनके बेटे ने क्या बोला था कि आपने क्या किया मेरे लिए, मैंने कुछ आपसे डिमांड नहीं की थी। सही बात है, हर कोई मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ वो नहीं बल्कि हर कोई यही बोलता है कि माँ बाप किसी भी बेटे के लिए, किसी भी औलाद के लिए कितना भी कर दे तो लास्ट में उसको यही सुनने को मिलता है कि आपने क्या किया मेरे लिए, क्या किया आखिर तुमने मेरे लिए, और जो भी किया तो मैंने आपसे डिमांड नहीं की थी, आपने खुद किया, मैंने आपसे बोला नहीं था कि करने के लिए। तो इस तरह की कुछ मतलब की स्टोरी होती है हर एक के साथ, पर इसमें कुछ इस तरह की स्टोरी बताई गई है। और इसमें एक लाइन भी है कि नज़दीक है कितने छांव तेरे, माँ बाप है दोनों पांव तेरे। सही बात है, बहुत ही प्यारा लाइन है। इस लाइन को अगर देखें तो इसमें बहुत सारे मीन्स निकलते हैं, जैसे कि अगर हम ये हकीकत बात है कि माँ बाप हमारे पांव होते हैं, अगर वो नहीं हो तो उनके बगैर हम चल नहीं सकते, वो हमें चलना सिखाते हैं, हम गिरते हैं हमें संभलना सिखाते हैं। यह हकीकत बात है कि बिना माँ बाप के हम कुछ भी नहीं है। हम लोग ज़िंदगी में अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं तो हम लोग खुद से नहीं करते, उन जो भी हम सक्सेस होते हैं या कुछ भी होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के हाथ होते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि टोटली 100% उनके ही हाथ होता है कि हम कुछ बनते या कुछ करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं। ये सब टोटल उनके आशीर्वाद बोल सकते हैं या उनकी मेहनत बोल सकते हैं या उनका हमारे लिए हमें मोटिवेट करने के लिए, हर जगह पे हमें कहीं गिरते हैं या कहीं परेशानी में होते हैं या फिर किसी चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हर जगह पे वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये हकीकत बात है कि माँ बाप है दोनों पांव मेरे, ये लाइन बहुत ही अच्छा था। और इसमें एक और लाइन है कि रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आपके। अगर इसमें कुछ इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में गम हो या कोई मुसीबत हो या कोई परेशानी हो तो हमें उस गम से रोना नहीं चाहिए, उस गम को देख के उस दर्द को देख के हमें रोना नहीं चाहिए बल्कि उस काम को सामना करना चाहिए। और जो भी रहेगा हमारी ज़िंदगी में जो या जो हमारी किस्मत में है वो तो होके ही रहेगा, उसको लेके हमको बैठ के रोना नहीं है, वो अपने आप कट जाएगी। उसमें एक और लाइन है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये सोचा था कि मेरे बच्चे बड़े होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हर कोई माँ बाप यही सोचता है कि आज मैं उसे सहारा दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो मुझे सहारा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता इस सीन में, इस वीडियोस में। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बूढ़े होते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होना स्टार्ट हो जाता है और उनसे लोग प्यार नहीं करते हैं। कुछ इस तरह की कहानी है इस वीडियो में, वो शायद घर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सैड वीडियोस थी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। इस वीडियो का सबसे अच्छा बेस्ट लाइन या बेस्ट सीन आपको कौन सी अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।